आम आदमी पार्टी के आगू जैसमीन शाह ने दावा किया कि हुण ईडी वालों अतशी अते सौरभ भारद्वाज दे नाल लए गए ने तां जो अरविंद केजरीवाल वांग होर भी आम आदमी पार्टी के आगू नूं जेल विच भेजा जा सके। जैसमीन शाह ने अगे कहा कि ईडी का उद्देश अरविंद केजरीवाल तो पुछगिछ करना नहीं सी सगों उन्हां नूं जेल विच ढकना सी। उन्हां कहा कि उन्हां दा मकसद अरविंद केजरीवाल नूं लोक सभा चोणां विच चोण प्रचार करन तों रोकना सी। उन्हां कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री नूं जेल विच डक दिता गया। उन्हां कहा कि दो सालों तो मामले की जांच चल रही है पर कुछ भी नहीं मिलिया ते हुण मुख्यमंत्री नूं न्यायिक हिरासत विच भी भेज दिता गया। आज ईडी के कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो उसके बाद ईडी के सामने की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको 11 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जी से क्या हासिल हुआ, क्या सबूत हासिल हुआ, क्या कुछ उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब यह समझने वाली बात है। ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, नौ समन्स भेजे हैं, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि हां जी इनको बेल दे दीजिए। तो मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था, पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था। मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा, देश के तमाम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से पूरी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हर एमएलए, हर मंत्री, हर सांसद, हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और उतना ही नहीं विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े बड़े नेता जैसे कंधे से कंधे मिलाकर इस चीज के लिए खड़े हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी और मोदी जी की सरकार रिहा करे। मेरे ख्याल से ये लोग पूरी तरह से बौखला गए, इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। उनकी तो यही मंशा थी शुरुआत से कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, एक हफ्ते के अंदर पार्टी बिखर जाएगी। कितने बड़े बड़े भाजपा के नेता यही कहते घूम रहे हैं, अरे ये तो वन मैन पार्टी है, जैसे इनको जेल में डाला पूरी पार्टी बिखर जाएगी। अब कल से जब ये दृश्य पूरी देश ने देखे और उनको दिख गया कि यहां पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं है, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल हैं, सैकड़ों ऐसे नेता हैं कि एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में बंद करोगे बाकी सारे अरविंद केजरीवाल उनकी जगह लेंगे, तब ये लोग बौखला गए हैं। और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो।